दोस्तों भारत में मीडिया यानी प्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर आज हम बात करेंगे। लोकतंत्र में मीडिया को चौथे स्तंभ यानी फोर्थ पिलर के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन इसकी सही जिम्मेदारियां क्या होती है, चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। मीडिया का उद्देश्य जनता को सूचित करना होता है, सच को उजागर करना और समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों यानी लोगों के पर्सपेक्टिव को सामने लाना होता है। एक जिम्मेदार मीडिया देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है और समाज में पारदर्शिता भी लाता है। दोस्तों अब हम मीडिया की भूमिका के बारे में जानेंगे और मीडिया को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ये भी पता करेंगे। दोस्तों इसे एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला, इन्फॉर्मिंग द पब्लिक यानी जनता को सूचित करना। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जनता को सही और निष्पक्ष जानकारी देना। मीडिया को राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी खबरें सटीकता के साथ भी पेश करनी चाहिए। इससे जनता सही निर्णय ले सकती है और लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग भी ले सकती है। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी खोजी पत्रकारिता। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है खोजी पत्रकारिता। मीडिया को गहराई से जांच करनी चाहिए, भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए और ऐसे मुद्दों को सामने लाना चाहिए जो आमतौर पर जनता की नजर में छिपे रहते हैं। यह समाज में ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा भी देते हैं। तीसरा, प्रमोटिंग डिबेट एंड डायलॉग्स यानी बहस और संवाद को बढ़ावा देना। मीडिया को समाज में बहस और संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। विभिन्न विचारों को सामने लाकर उन्हें चर्चा का विषय बनाकर मीडिया समाज में समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है। ये जनता को विभिन्न मुद्दों पर सूचित और जागरूक भी करता है। चौथा, होल्डिंग पावर टू अकाउंट यानी सत्ता को जवाबदेह बनाना। मीडिया का एक और महत्वपूर्ण कार्य सत्ता को जवाबदेह बनाना। सरकार की नीतियों और कार्यों की जांच कर मीडिया ये सुनिश्चित करता है कि वे पारदर्शी और जनता के हित में हो। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और जनता को विश्वास होता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और मीडिया को इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जनता का विश्वास भी उन पर बना रहे। पांचवा, सपोर्टिंग सोशल कैंपेन यानी सामाजिक परिवर्तन का समर्थन। मीडिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करना। गरीबी, असमानता और अन्याय जैसे मुद्दों को उजागर करके और उनकी सुधार की मांग करके मीडिया समाज में सकारात्मकता बदलाव भी ला सकता है। तो दोस्तों ये मीडिया की भूमिका थी। अब जानते हैं मीडिया को किन बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी यानी नैतिकता और सत्यनिष्ठा। लेकिन इन सभी भूमिकाओं को निभाने के लिए मीडिया को नैतिकता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। सनसनीखेजता, पक्षपात और गलत सूचना न केवल मीडिया की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाते बल्कि लोकतंत्र को भी कमजोर करते हैं। तो मीडिया को इन सब पे बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि फेक न्यूज का प्रचार प्रसार भी कम हो। ऑब्जेक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी यानी निष्पक्षता और विविधता। निष्पक्षता और विविधता मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। विभिन्न स्रोतों यानी अलग अलग सोर्सों से जानकारी प्राप्त करना और सभी पक्षों को समान रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है। इससे जनता को संपूर्ण और निष्पक्ष जानकारी भी मिलती है। इम्पावरिंग द पब्लिक यानी जनता को सशक्त बनाना। लास्ट में मीडिया का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि जनता को सशक्त बनाना। एक सशक्त नागरिक समाज लोकतंत्र की नींव है और मीडिया इसमें इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। दोस्तों एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये लगता है कि मीडिया को और इम्प्रूव करना चाहिए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।